ये रेडबुल नहीं है, बट इसके पीछे एक स्टोरी है प्राइवेट पार्ट्स के अंडर। We are back. Thank you, sir. I love you. Where? Put it here. आपले तरी मग कशी नाचते फकाटे म्हातारे म्हाताऱ्यांना आता कळ सुटल तेज हो रहा काय काम आहे फोटो बिगाड दिया तक चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी दबाओ। बुरा लगता है भाई अगर मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आते हो तो। वहाँ पर भी एक मंदिर है, मतलब हर एक चीज में रोज सुबह शाम इनकी प्रे करते हैं और जो पूजा होती है हमारे यहाँ पर थोड़ी अलग टाइप की होती है बट रोज के होते हैं। अभी तक यहीं पे रुके हम लोग, ओला बुक करनी है अभी तक, सॉरी ओला नहीं गोजैक यहाँ पे ओला जैसी ऐप है सिमिलर टू ओला। तो अभी फिलहाल तो रेस्टोरेंट देख रहे हैं आसपास कहीं है क्या डिनर के लिए, तो वही चल रहा है अभी। शुभम ढूंढ रहा है, शुभम इस काम में माहिर है, खाऊ गधड़ा है वो। ये चुप्पे तो गाइस ये यहाँ की नॉर्मल कार से आप देख सकते हो नॉर्मल है, फिर भी ऐसी अलग लग रही है हमें। ये तो गाड़ी कोई स्पोर्ट कार है नॉर्मली, मतलब इतना नहीं बट उसने मॉडिफाई भी की है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे इंडियन टी मसाला टी लिखा है, तो देखते हैं यहाँ पे टी मिलती है क्या। बहुत दिन से अगर टी नहीं पी तो आज मन कर रहा है टी पीने का, यहाँ से टी पियेंगे फिर बाद में डिनर के लिए जगह ढूंढेंगे। सुबह की टी बहुत बकवास थी, मतलब इन्होंने पी थी, इन्होंने मुझे बोला कि बकवास थी, मैंने कॉफ़ी ली थी, कॉफ़ी तो नॉर्मली थी, फिर मिल्क अच्छा नहीं रहता इनका, मिल्क बहुत पतला रहता है, मतलब हमारे यहाँ के जैसा नहीं रहता। मसाला टी वहाँ पर लिखा था और इंडियन रेस्टोरेंट टाइप लिखा था, हम वहाँ पर टी खरीदने गए तो उनको मैंने नॉर्मल पूछा कि कौन से मिल्क से बनी है यहाँ की टी, डोंट नो। फिर मैंने उनको बोला कि इट्स मेड ऑफ बफेलो टी, तब मैंने पूछा उनको कि वो बफेलो टी से बनी है क्या, तो बोले नहीं बफेलो से नहीं बनी। तो फिर उसको भी नॉर्मली तो हमें ही नहीं पता किसके मिल्क से बना है वो, मैंने छोड़ दिया टॉपिक ही में और ठीक है नहीं पीनी यहाँ की टी। हमारे इंडिया में जैसे टपरी पे लौंडे जाते हैं सिगरेट मारते हैं वहाँ पे टाइम पास करते हैं, मतलब मैं सिगरेट नहीं पीता बट नॉर्मली हम भी कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं टी पीने के लिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ के भी लौंडे आप ये देख सकते हो यहाँ पे आराम से बैठ के, यहाँ पे भी वैसा ही सीन है कुछ इंडिया जैसा। तो हमारी टैक्सी आ गई, हो रही हमारी टैक्सी गोजैक
यहाँ पे नॉर्मल टैक्सी भी मंगवाए तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी कार की टैक्सी की वैरायटीज मिलती है। अभी ये देखो, हेलो, हाय, गुड, हाउ आर यू? इंडोनेशिया की क्रेटा कोरियन, इट्स कोरियन, या यूएसए, इट्स कोरियन, हैज टू बी अ सिग्नल इन इंडोनेशिया, इज इन इंडोनेशिया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कार इन इंडोनेशिया? कॉस्ट ऑफ दिस कार इन योर कंट्री? मेनी पीपल यूज दिस। यस, इन इंडिया आल्सो दिस कार इज फेमस, पॉपुलर, या पॉपुलर कार। यू विल यू सी प्रोलेट इन स्वीप, स्वीप, या स्वीप, या मेक इनोवा, इनोवा इज आल्सो पॉपुलर। यहाँ की क्रेटा थोड़ी अलग है, मतलब सेम टू सेम नहीं है। आप देख सकते हो मैंने, वो बोल रहे कि इंडिया में मैंने वीडियोस देखे थे कि ऑलवेज, मतलब कभी भी ट्रैफिक हो जाता है तो हॉर्न बजाते रहते हैं लोग। मतलब यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी के लिए हॉर्न का यूज होता है। प्लेन और हमें भी सुधरना चाहिए थोड़ा, मतलब उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं भी हॉर्न देता हूँ सामने वाले को। हमें सुधर जाना चाहिए थोड़ा, रूल्स फॉलो करने चाहिए। यू नो पाव वाला इन इंडिया? नाउ से पाव वाला, ही सेल्स दैट ब्रेड्स, ब्रेड्स एंड ऑल टाइम। दैट्स व्हाई यू डोंट नो पॉपुलेशन ऑफ बाली? अराउंड 4 मिलियन, 4 मिलियन बाय 500 लाख, 4 मिलियन, 4 मिलियन ओनली बालीनीज पीपल, बट इन अदर पीपल लाइक फ्रॉम जावा इन अदर 1 मिलियन एंड मोर देन 10 मिलियन नाउ। आई नो दिस न्यू वन, दिस इज आल्सो पॉपुलर इन रिबॉन माशी सातो नाइस न्यू, पहली बार इनोवा देखी, नॉट लाइक दिस क्रिस्टा, डिफरेंट अगेन। नो इट्स नॉट डिफरेंट, वी डोंट नो, इट्स ए न्यू वन, डिफरेंट alcohol. तो अभी इस होटल में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडियन सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं। इंडियन रेस्टोरेंट हमने चुना था क्योंकि सुबह से हमने वही खाया, बाहर का खाना जो यहाँ का इंडोनेशियन ब्रेकफास्ट बर्गर एंड ऑल। तो अभी बोर हो रहा था वो खा खा के, इसलिए अभी यहीं पर खाना खाएंगे इंडिया का अपना, जो नॉर्मल है रोटी सब्जी। यहाँ पर जो कुछ भी अमाउंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि कितने अमाउंट हुए। काफ़ी अच्छा होटल है यहाँ का, देख सकते हैं। तो अभी खाना ऑर्डर करने का समय आ गया है, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये है यहाँ का मसाला पापड़, ये मसाला पापड़ है। जैसे ही और जो कुछ भी खाना आएगा मैं आपको दिखा दूँगा जो हमने मंगवाया है वो। अब यहाँ पे मील भी ले सकते हो, 400 या तो 500 तक आपको एक मील मिलेगी, बट लिमिटेड मील है इसलिए हमने वो नहीं ली। बाकी का सब लिया है नॉर्मल, हम जैसे लेते हैं होटल में नॉर्मल सब्जी और
चपाती रोटी जो कुछ भी है पापड़ पाली का तो अभी यहाँ पे बाली का इंडियन फूड ट्राई करने वाले हम लोग तो मैं आपको टेस्ट बताऊँ एक यहाँ का चिकन मलाई ये खाते चिकन मलाई की टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे इधर जैसे आता है वैसे ही पराठा एंड पनीर हम नहीं खाएंगे थोड़ी अलग है पराठा इतना खास नहीं है मतलब टेस्ट के लिए और इनका पनीर भी ऐसा थोड़ा लूज रहता है मतलब हमारे यहाँ पे कैसा पनीर एकदम ठीक रहे कड़क रहता है बट यहाँ पे लूज रहता है पनीर का सीन सगळे फ्लेवर आहेत हुक्का का रेट बहुत कम है यहाँ पे हुक्का बट हम लोग पीते नहीं बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए मैं बता देता हूँ कि हुक्का इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव हियर चलो अभी खाना हो गया खाने के जो अमाउंट था मतलब बिल हमारा इस बार कम आया मतलब अच्छे होटल में खाना खाने के बाद भी जो अमाउंट थी वो 1500 रुपीस थी जो मैंने जितना भी खाना ऑर्डर किया था उसके अमाउंट 1500 रुपीस इन इंडियन रुपीस तो शुभम अपने लिए देसी ठर्रा देख रहा है यहाँ पे कोई गजब बेइज्जती है तो अभी खाना खाया अब ऐसे ही रोड पे घूम रहे हैं हम लोग सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं नॉर्मल ऐसे इधर उधर यहाँ का क्या रेट्स है सब कुछ चीज़ों के तो वही सब देख रहे हैं देखो यहाँ पे ये मॉल टाइप है यहाँ पे पूरी चॉकलेट की स्मेल आ रही है चॉकलेट और क्रीम की नॉर्मल यहाँ का जो मार्केट है मतलब डिमार्ट टाइप है शायद से देखो इसकी प्राइस है बनाना 18,000 125 रुपीस केजी ये मिल रहा है यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ पे कितने में क्या मालूम रेट तो मुझे नहीं पता इसके बट नॉर्मल देखो तो शुभम यहाँ पे आपने लिए कुछ चीज़ें ढूंढ रहा है बट उसे कुछ पसंद नहीं आया उसे आदत है देसी ठर्रा पीने की कॉफी नहीं कॉफी लोग तो ठीक है अब देखो यहाँ पर एक एनर्जी ड्रिंक है आपको लगेगा ये रेडबुल है बट ये रेडबुल नहीं है साइड में ये रेडबुल रखा हुआ है यहाँ पर बट इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो रेडबुल का ओनर है जो कोई भी हो वो यहाँ पर आए थे वो इससे इंस्पायर हुए थे इससे इंस्पायर होके उन्होंने अपना खुद का ब्रांड ओपन किया तो एनर्जी ड्रिंक तो उन्होंने ये पिया था तो शायद से चोरी की ब्रांड की बट क्या मालूम कॉपीराइट नहीं आया होगा उनके ऊपर क्योंकि शायद से उस टाइम ये ब्रांड इतना फेमस नहीं होगा इसलिए तो हमारे इधर ऐसा कुछ होता तो कॉपीराइट दो मिनट में आ जाता है और हमारे जूडियो में हम जो इस टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स देखते हैं उसके भी रेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ 1,39,000 यानी कि कम से कम 700-800 रुपीज़ अराउंड 700-800 रुपीज़ बस ये कॉस्ट है यहाँ पर
मुझे नहीं पता ये दिखाना चाहिए या नहीं, बट मैं नॉर्मल आपको दिखा के एक झलक दिखाता हूँ। ये देखो मतलब प्राइवेट पार्ट्स के किचन्स बेचे जा रहे हैं यहाँ पर, बेच रहे लोग कुछ है लकड़ी के बनाए हुए हैं, शायद से भगवान का कुछ होगा इनका कल्चर में, इसलिए यहाँ पर वो बेचे जा रहे हैं। क्या मालूम, ये देखो। अरे यहाँ के लोग शैम्पू भी अपना नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो चलते हैं वही यूज़ करते हैं, एक डव और ये सब गरुड़। यहाँ पर टॉवल्स टॉवल्स भी अराउंड 1000। यहाँ के चिप्स ₹6,160 को कोक वाला है, मतलब 30 या 40 rupees को आपको एक कोक का कैन मिलता है। कोई बॉर्डर पे मेरी जुगाड़ करवा दो, मैं यहाँ से कोक खरीदूँगा, हमारे यहाँ पे बेचूँगा। काय घ्यायचं आहे का? हाय, ब्राउनी विथ कॉफी स्किन, हम यहाँ पे ये ट्राई कर रहे हैं। टेस्ट काफी अच्छी थी यहाँ की, मतलब वफ़ल टाइप ही था बट थोड़ा सा अलग था। I don't have pep 100. Ah, it's okay. Yeah, thank you. तो अभी सब लोग थक गए और मैं इतना थक गया हूँ, रूम पर जाके डायरेक्टली सोने वाला हूँ, तो इसलिए आज का ब्लॉग अपना यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जल्दी से दबाइए।